हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल काफी सारे फीमेल्स एंड इवन मेल्स आर गोइंग फॉर हेयर कलर्स और हेयर डाइज। नाउ हेयर कलर ये दो चीजों के वजह से हम करते हैं। द फर्स्ट रीजन इज कवरिंग ऑफ ग्रे हेयर। जो बाल व्हाइट हो गए हैं या ग्रे हो गए हैं उसको कवर करने के लिए हम हेयर डाइज यूज करते हैं या हेयर कलर्स यूज करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज being trendy or being fashionable, which goes hand in hand with whatever you are wearing. तो इसलिए fashion sense या फिर experiment करने के लिए हमारे hair color, कौन सा color हमको ज़्यादा suit हो रहा है, तो इसलिए basically ये दो चीज़ों से हम hair color या hair dye करते हैं। तो basically बहुत लोगों को ये question होता है कि hair dye या hair coloring से बाल damage होते हैं क्या, या फिर हेयर कलरिंग या हेयर डाइज के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो उस बारे में कुछ चीजें आज बताऊंगी। बेसिकली हेयर डाई ये आपके बालों में कैसे काम करता है। आपके बालों के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो कलर या पिगमेंट्स जो यूज होता है, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है और इस वजह से हमारे बाल कलर होते हैं या बाल डाई होते हैं। अब बेसिकली हेयर डाइंग या हेयर कलरिंग ये तीन टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज परमानेंट हेयर कलर। नाउ परमानेंट हेयर कलर में बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं एंड मेन इसमें यूज होता है अमोनिया। नाउ अमोनिया ये ओवरऑल बालों का हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। बेसिकली अमोनिया ये पेरोक्साइड की मदद से हमारे हेयर का जो मेन कोर होता है उसको उसके अंदर जाके वो नेचुरल हेयर कलर निकालता है और अपना पिगमेंट जो कलर होता है वो उसके अंदर डालता है। तो इस तरह से हमारा पूरा हेयर कलर चेंज हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज डन इन परमानेंट हेयर कलर्स। तो अमोनिया से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओवरऑल हेयर हेल्थ डिक्रीज हो जाता है, आपका मॉइस्चर जो हेयर का रहता है वो निकल जाता है एंड इससे आपके हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ लैक ऑफ लस्टर हो जाता है एंड इवेंचुअली आपको हेयर फॉल भी होता है क्योंकि कंटिन्यू इसके यूज से आपके हेयर रूट्स भी डैमेज हो जाते हैं। सेकेंड होता है सेमी परमानेंट हेयर डाइज। ना सेमी परमानेंट हेयर डाइज में अमोनिया इतना यूज नहीं होता, बट सेमी परमानेंट हेयर डाइज में बेसिकली आपका जो क्यूटिकल है उसमें एक कलर की दूसरी परत बन जाती है, तो इसलिए ये बहुत दिनों तक लास्ट नहीं करती, प्रोबेबली 6 वीक्स या उससे थोड़ा ज्यादा, और धीरे धीरे ये आपके वॉशिंग से हेयर वॉश से इसका इफेक्ट निकलने लगता है। बट सेमी परमानेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि हम यूज टू हो जाते हैं हेयर कलर को। जैसे हमारा कलर फेड होने लगता है हम तुरंत वापस से टचअप करने लगते हैं या फिर वापस से दूसरा कलर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो सेमी परमानेंट हेयर डाइज बेसिकली इस तरह आपके हेयर डैमेज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज टेम्पररी हेयर डाई। वो सिर्फ आपके बालों के जो बाहरी परत रहती है उस पर कलर डिपॉजिट करते हैं और जैसे आप नेक्स्ट हेयर वॉश करते हो मोस्टली वो कलर निकल जाता है क्योंकि वो ज्यादा डीप सेटल नहीं हुआ रहता। तो अमोनिया एंड पेरोक्साइड ये दो मेन चीजें हैं जो आपके हेयर डैमेज करते हैं। अब अमोनिया में बहुत से लोगों को ये पता चल गया है कि अमोनिया से आपके हेयर डैमेज होते हैं, सो पीपल आर नाउ ऑप्टिंग फॉर अमोनिया फ्री हेयर डाइज। अमोनिया फ्री हेयर डाइज को वो जो ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं दैट इज मोनो इथेनॉल अमाइन MEA, ये अमोनिया की जगह पे वो यूज करते हैं। बट माइंड यू दैट इज ऑल्सो एज हार्मफुल एज अमोनिया, बट वो आपका ओवरऑल हेल्थ इतना डैमेज नहीं करता जितना अमोनिया करता है। बेसिकली वो काम अमोनिया की तरह ही करता है, आपका हेयर क्यूटिकल ब्रेक करके कॉर्टेक्स ब्रेक करके आपके क्यूटिकल को कलर देता है, तो काम वही होता है बट इट इज वेरी लिटिल लेस डैमेजिंग दैन अमोनिया। बट इट इज एज उतना ही आपको तकलीफ होता है जितना अमोनिया का होता है। प्लस पेरोक्साइड्स के भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स यूज होते हैं, PPDs यूज करते हैं, ये भी आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेयर कलरिंग से क्योंकि आपका मॉइस्चर निकल जाता है बालों का, तो इससे आपके हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, बालों की जो एक शाइन या चमक रहती है वो निकल जाती है
आपके हेयर फ्रीजी हो जाते हैं, आपका हेयर ओवरऑल अच्छा नहीं दिखता, इट इज डजंट लुक एज गुड एज इट वॉज बिफोर कलरिंग योर हेयर. ये कुछ चीजें हो जाती हैं, इवेंचुअली ये सब की वजह से आपको हेयर फॉल दिखना शुरू हो जाता है. तो यस, हेयर कलरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली यू मे एक्सपीरियंस हेयर फॉल. अगर आप हेयर कलर करा ही रहे हैं तो आप क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स, या ऑल्टरनेटिव्स में अगर देखा जाए तो देर इज ओनली वन थिंग दैट इज हेना, वो भी नेचुरल हेना, नॉट द केमिकल वंस. नेचुरल हेना से आपको थोड़ा रेडिश कलर के बाल दिखते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं. एंड बीटरूट जूस और कॉफी, आप ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे आप हेयर कलर कर सकते हैं. बट यस, ये आपको नेचुरल, जैसे आप प्रोफेशनल्स के पास जाके आप हेयर कलर करते हो या फिर जो पैकेट्स घर पे आपको करने मिलते हैं हेयर कलरिंग के, उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं देता है. तो कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं अगर आपने हेयर कलर किया हो तो, जब कभी आप हेयर कलर करेंगे अगर नेक्स्ट टाइम, तो जो आपने हेयर कलर पहले करवाया था उसके ही क्लोज कुछ कलर चूज कीजिए. हेयर डाइज, यूज हेयर डाइज विथ कंडीशनिंग एजेंट्स, इससे आपके बाल लेस डैमेज होते हैं. हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आप थर्मल प्रोटेक्टेंट स्प्रेज यूज कीजिए, क्योंकि हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट से आपके जो बचे कुचे मॉइस्चर है बालों में वो भी निकल जाएंगे. इसलिए थर्मल प्रोटेक्टेंट हीट स्प्रेज आप यूज कीजिए, जिससे आपके बाल लेस डैमेज होंगे. आप माइल्ड शैम्पूज एंड माइल्ड कंडीशनर्स यूज कीजिए, जिससे भी आपका हेयर कलरिंग या हेयर डाइंग का इफेक्ट या डैमेज बहुत ज्यादा नहीं दिखता है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कलरिंग योर हेयर, लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स, या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो सीक प्रोफेशनल हेल्प. थैंक यू.